हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहित तिवारी, आई एम MBBS स्टूडेंट एट SMC बहराइच। नीट हेल्प पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज अपने पास मॉडर्न फिजिक्स के रेडियो एक्टिविटी पोर्शन से दो क्वेश्चन एज अ डाउट है। चलिए इन्हें देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 5×10^16 एंड हाफ लाइफ इज 10 ईयर्स। फाइंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड इन 5 ईयर्स। ये रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन मेरे बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होते थे। इसका दो रीज़न होता था। एक्चुअली मेरा केमिकल काइनेटिक्स जो मुझे लगता था काफ़ी अच्छा था, एंड सेकंड थिंग मुझे ये पता होता है कि ये रिएक्शन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो यार दो चीज़ों को पढ़ने से बेटर है मैं इसको आपको केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैं करता था वैसे बताऊँगा और बेटर एक्सप्लेनेशन होगा। और मेरे अकॉर्डिंग मैं यही कहूँगा कि आप यही तरीका फॉलो करें जो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि इससे बहुत अच्छे से और इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका बोला गया है कि इनिशियली आपके पास 5×10^16 रेडियो न्यूक्लियाई है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, और जिसका सब्सटेंस का हाफ लाइफ 10 साल है। तो 5 साल में कितने न्यूक्लियाई डिके हो जा रहे हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैंने बताया ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की सबसे जो सबसे बढ़िया चीज़ होती है, और ये इवन कहीं आपको बुकिस लैंग्वेज में नहीं मिलेगा, बट मेरा कॉन्सेप्ट है आप इसे हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिएगा, बहुत ही फ़ायदा देगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक बात होती है LnX=kT। ये आप लिख के चलें, हमेशा एंड हमेशा काम आएगा। आपका केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों केवल एक फार्मूले से सब कुछ बढ़िया ज़बरदस्त चंगा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक्स जो होता है, एक्स आपका अगर आपको इजली रिकॉग्नाइज करना है तो इसको खपत लिख सकते हैं, हिंदी में खपत होती है। मतलब आपका इनिशियल अगर एन नॉट है और किसी टाइम पे NT है तो एन नॉट माइनस NT करेंगे तो x आएगा। ये होता है x यहाँ पे। ठीक है, चलिए। और k जो होता है वो आपका कांस्टेंट होता है, और t जो होता है टाइम होता है। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो दूसरी चीज़ याद रखनी हमेशा आपको वो होती है, ये दो चीज़ आप याद रखेंगे बहुत काम आएगा आपके फिजिक्स में। कहीं काफ़ी जगह टाइम हाफ जाओ हाफ टाइम होता है उसका भी काम आता है, आपके इवेंट्स AC चैप्टर में सर्किट वगैरह में भी काम आता है, तो बहुत ही ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टी हाफ का जो फार्मूला होता है ये आपके लिए Ln2 × टाइम कॉन्स्टेंट, ये होता है, हमेशा याद रखें। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए जहाँ पर हम K लिखते हैं केमिस्ट्री पोर्शन से, वहाँ पर टाइम कॉन्स्टेंट 1/K हुआ करता है। बस इतनी दो बातें अगर आपको ध्यान में हैं तो बहुत ही ईजिली आपका सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में LnX=kT लिखना था। ठीक है, x आपका निकालना है क्योंकि आपको खपत ही बताना है, 5 सालों में क्या खपत हुई है, मतलब कितने न्यूक्लियाई डिके हुए हैं, तो x बताना है। ठीक है, कि यहाँ पे मैंने बताया T½=Ln2/K, मतलब K=Ln2/T½, और टी हाफ जो था वो आपको 10 ईयर दे रखा था, और किस टाइम पे आपको बताना है, टी है आपका 5 ईयर। ओके, सो ईयर से ईयर कैंसिल हो जाएगा, 5 से 10 कैंसिल 2 हो जाएगा। ठीक, ये आपका सिंप्लीफाई करें, दोनों साइड ln है तो आपका ये लॉग लिख सकते हैं, मतलब दोनों साइड में 2.303 कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों साइड आपका log x = log 2/2, और ये log 2 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट में लिखते हैं अपन 0.3/2, तो ये आपका हो जाएगा 15×29 मीन्स 0.15। ओके, अब x जो होता है या बेसिक log आपको पता होगा, और वहाँ पे माइनस का यूज होता है अगर अपॉन में लिखा है, बट अपना काम अपॉन से ही चलेगा। तो x जो है खपत, खपत क्या होती है देखिए, जो लॉग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा यूज करना है, ये आपका x=, ये है, और लॉग के लिए अगर मतलब अगर आपको ये लिखना है लॉग n0-t, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं, अगर x की वैल्यू ये है तो इसको आप n0/ ये लिखेंगे, अगर ये x आपका ये है यहाँ पे और आपको लॉग x लिखना है, ये आपका लॉग नहीं होगा, ये अगर x ऐसा है और यहाँ पे लॉग x लिखना है तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका n0/NT होगा =0.15। ठीक है, फिर ये आपको पता होगा बेसिक लॉग कि अगर लॉग होता है तो उसके लिए लॉग, जैसे आपका एग्जांपल के लिए लॉग
इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2, तो x इज इक्वल्स टू 10 to the power 2, मतलब जो यहाँ पे बेस होता है तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 10 होता है, तो x इज इक्वल टू मतलब n नॉट अपॉन एन टी जो होगा ये होगा इज इक्वल्स टू 10 to the power, जो आपका आंसर आता है फाइनल वैल्यू होती है वो मतलब 10 to the power 1.5। ठीक, अब इस क्वेश्चन के लिए देखिए आपको लॉजिक में समझा रहा था, बाकी सॉल्व कैसे करना होता है और जो वैल्यूज होती हैं वो आपको थोड़ा याद भी रखना होता है, और वैसे भी अगर इसमें याद भी नहीं रखेंगे तो आपको देखिए अगर टी हाफ का जैसे कि जो स्टूडेंट ने टेक कर रखा था ये दोनों नहीं होंगे, क्योंकि आपका टी हाफ से भी कम टाइम दिया जा रहा है तो उससे ज़्यादा तो खपत होगी नहीं, ये तो आपके ऑप्शन हो सकते हैं। और इसमें भी आप अगर आप वैल्यूज के आसपास जाएंगे तो वैल्यू पुट करने के बाद आपकी जो एन टी होगा वो n0 अपॉन 10 to the power, इसका आप यहीं पे वैल्यू निकाल लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेट अगर वैल्यू होगा 0.15 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपकी आएगी 1.4 के आसपास। ठीक है, तो n0 जो आपका था वो 5 × 10 to the power आई थिंक 16 था ना, हाँ यस 5 × 10 to the power 16 अपॉन ये वैल्यू आपकी अपॉन में आएगी 1.4, और 1.4 से अगर आप 5 को डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट आपका 3.5 समथिंग आएगा, और ये अप्रॉक्सीमेट सारी वैल्यूज होती हैं, इवन आपको पता होगा कि लॉग की 2 की भी वैल्यू जो होती है वो 0.3 अप्रॉक्सीमेट होती है, तो ये सारे वैल्यूज जो हैं वो अप्रॉक्सीमेट आएंगे और उस अकॉर्डिंग आपका ये एन टी ये हुआ। देयरफॉर एक्स जो होगा वो एन नॉट माइनस एन टी होगा, और ये आपका 5 − 0.3 करोगे तो आपका 1.5, और ये आपका जो मल्टीप्लाई में है 10 to the power 16 ये कंपोनेंट एज इट इज रहेगा, तो आपका आंसर जो होगा ये आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक, अब इसमें जो चीज़ें आपको याद रखनी थी वो भी मैं बता दूं, जैसे कुछ डाटा आप जैसे मैं क्या करता था इस टाइम मतलब अब तो यूज़ में नहीं आता, बट अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो कुछ डाटा आपको रट के चलना पड़ेगा लॉग के लिए, जैसे 10 to the power 0.5 जो होता है इसकी वैल्यू आपको अप्रॉक्सीमेट जो होती है 1.4 होती है, ये आपको याद रखना होगा। ऐसे 10.25 जो होता है इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1.7 होती है, 10 to the power 0.3 जो होता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1.99 के आसपास होती है, और 10 to the power आपका 0.35 जो होगा ये अप्रॉक्सीमेट आपका 2.2 होता है, एंड 10 to the power 0.5 मीन्स आपका रूट 10 जो होता है ये अप्रॉक्सीमेट 3.1 होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिशन ऑफ 1 ग्राम यूरेनियम द मास लॉस्ट इज 0.9 mg, द इफिशेंसी ऑफ पावर हाउस फिशन रिएक्टर इज 20%, टू ऑब्टेन 400 MW पावर फ्रॉम द पावर हाउस हाउ मच यूरेनियम रिक्वायर्ड पर आवर। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि आपका अगर 1 ग्राम यूरेनियम लेते हैं तो उसमें से 0.9 mg यूरेनियम लॉस्ट होता है, मतलब ये जो आपका मास है इतना मास आपका पर ग्राम यूरेनियम में ये मास आपका कन्वर्ट हो जा रहा है एनर्जी में। ठीक है, फिर बात हो रही है द एनर्जी ऑफ पावर हाउस फ्रैक्शन रिएक्टर जो इसकी इफिशेंसी जो है वो 20% है। ठीक, आपको बोला गया है कि ऑप्टेन कितना पावर ऑप्टेन करना है, ये 400 MW पावर ऑप्टेन करना है, तो पर आवर कितने ग्राम यूरेनियम की, क्योंकि ऑप्शन आपके ग्राम में दिए हुए हैं, तो कितने ग्राम यूरेनियम की पर आवर रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है एनर्जी इक्विवेलेंस का, मतलब एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम सी होता है, यहाँ पे चेंज इन मास मतलब आपका जैसे जो ये रिएक्शन में बताया गया इस क्वेश्चन में बताया गया कि मास जो लॉस्ट हो रहा है यहाँ पे वो मास होगा जो लॉस्ट हो रहा है। ठीक है, और पावर के लिए आप जानते होंगे पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो ये आपका पर यूनिट टाइम आप इसको इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, तो ये आपका पावर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, पावर आपके लिए क्वेश्चन में बोला गया है जो आपको चाहिए ये 400 MW है ना, तो 400 × 10⁶ ये आपको पावर चाहिए, और इस पावर के लिए आपको कितना मास पर यूनिट टाइम लगेगा ये आप फाइंड कर लें, और सी जो होता है स्पीड ऑफ लाइट इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 × 10⁸ का अगर स्क्वायर करते हैं तो 3 × 9 हो जाएगा, ये आपका 9 होगा, और 10 to the power 8 मतलब 10 to the power 16 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो,
और ये 6 आपका इधर कैंसिल, तो ये आपका 10^10 हो जाएगा, और ये आपके 2 जीरो मतलब ये आपका फाइनली 10^8 हो जाएगा। ओके, तो डेल्टा एम बाई टी मास पर यूनिट टाइम जो आपका चेंज हो रहा है वो होगा, आपका जो मेन इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में वो यही है कि आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे मास जो है वो लॉस्ट वाला मास होगा, मतलब कितना मास चेंज हो रहा है, क्योंकि जितना मास चेंज होगा वही एनर्जी इक्विवेलेंस का यही कॉन्सेप्ट है। मास आपका जैसे आप एक कॉन्सेप्ट होता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसे एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सो इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि मास या एनर्जी आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं बट ये डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। सो जितना मास आपका लॉस्ट होगा वो आपका एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगा, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो आपका मास पर यूनिट टाइम में जो निकल रहा है ये आपका 4, इस साइड आपका केवल 4 बचा और अपॉन में 10^8 हो गया था, है ना। अब ध्यान दीजिए ये सारी चीज़ें SI यूनिट में चल रही है क्योंकि आप वाट की बात कर रहे थे और मेगावाट, वाट आपका SI होता है, मेगा के लिए आपने 10^6 यूज कर लिया था और C आपका यहाँ पे मीटर पर सेकंड मतलब SI में था, तो आपको ये जो वैल्यूज़ मिल रही है आपको SI में मिल रही है, मीन्स ये आपको KG और ये सेकंड में मिल रहा है, और KG को आपको ग्राम में बदलना है तो ग्राम में बदलने के लिए 10^3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और टाइम आपका सेकंड में है तो इसको आवर में बदलना है और आवर में बदलने के लिए इसको डिवाइड करना होता है। सो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, मीन्स डिवाइड होगा, इसका डिवाइड होगा मतलब आपको ऊपर मल्टीप्लाई होगा 60 × 60, 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड, सो 60 × 60। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो आपको वैल्यू मिलेगी ये ग्राम पर आवर में मिल रही होगी। ठीक है, आप इसको सॉल्व करते हैं तो 3, 4, 5 मतलब टोटल 10^5 इधर है और यहाँ पे 8 है तो ये कैंसिल होते हैं और ये 4 × 6 × 6 और ये ऊपर गया, ये 4 था यहाँ पे 10^8 था और यहाँ पे 10^5 था, मतलब 3 आपका बच रहा है तो 10^-3। ठीक, और अपॉन में 9 था, 9 × 36 है ना, या 6×36 ऐसा कर लो, हाँ तो फिर 9 × 4 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब आपका 4×16 × 10^-3। ठीक है, ये आपका इतना ग्राम पर आवर लॉस्ट हो रहा है। ठीक, अब इसमें जो मेन एक बात और बोली गई कि आपकी इफ़िशेंसी जो है ये 20% है। ठीक है, इफ़िशेंसी आपकी 20% है, तो 20% इफ़िशेंसी का अगर आप लिटरल मीनिंग समझें, जैसे 20% का मतलब क्या हुआ, 10 × 20/100 मतलब 1/5, मतलब जब आप 5 लेते हैं तो उसमें से 1 आपको आउटपुट मिलता है, मतलब ऐसा समझो जब 5 की इनपुट दे रहे हैं तो 1 का आउटपुट निकलता है, ये होता है लिटरल मीनिंग। ठीक, तो आपका जो मास लॉस्ट हो रहा है वो आपका निकल के आया था 10^ मास पर यूनिट टाइम, ये आपका निकल के आया था इतना ग्राम पर आवर आपका लॉस्ट हो रहा है, तो लॉस्ट हो रहा है वही एनर्जी के फॉर्म में निकल रहा है, मतलब लॉस्ट लिटरली तो बोल रहे लॉस्ट हो रहा है बट ये आपका एनर्जी के फॉर्म में आउटपुट है, मतलब आउटपुट जो है वो आपका 1 है, तो इनपुट आप कितना दे रहोगे भाई, ये इनपुट तो आपको 5 दे रहे होगे, मतलब इसका 5 गुना इनपुट होगा और आपको इनपुट की ये बात पूछी गई है, मतलब आपको ये पूछा गया है कि टू ऑब्टेन इतना पावर फ्रॉम अ पावर सो हाउ मच इतना इज रिक्वायर्ड, यूरेनियम इज रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड होगा, ये आपका मतलब इनपुट पूछा गया, तो इसका 5 गुना आपको लेना होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16×5 = 80। ठीक, ये आपको ग्राम पर आवर हो गया, ये आपका लॉस्ट हो रहा है। अब इसको ग्राम पर आवर को अगर बात करें मिलीग्राम में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आपको मिलीग्राम भी लिख सकते हैं, मिलीग्राम में देखेंगे तो 10^3 था, मतलब ये 80 मिलीग्राम पर आवर लॉस्ट हो रहा है, ये डेल्टा एम पर यूनिट टाइम है। अब ये लॉस्ट वाला बात चल रहा था और ये ध्यान रखना, जैसे मैं 5 से मल्टीप्लाई करवाया हूँ, क्योंकि अभी एक कॉन्सेप्ट में बताने के बाद बता रहा हूँ, एक सेकंड, आपको ये लॉस्ट हो रहा है मतलब आपके ये चीज़ जो ये दिया था ये फाइंड हुआ है और आपको बताना ये चीज़ है, मतलब आप ध्यान से समझें कि ये बोला गया है अगर आप 1 ग्राम लेते हैं तो उसमें से आपको जो आउटपुट निकलता है वो इतने मिलीग्राम का आउटपुट निकलता है। ठीक, मतलब इस चीज़ को ऐसे लिखें कि 0.9 मिलीग्राम आपको, इसको आप एनर्जी इक्विवेलेंट मतलब जो आपको लॉस्ट हो रहा है उसे आप समझें आउटपुट मिल रहा है वो एनर्जी है, मतलब इतनी एनर्जी आप ऐसे बोल सकते हैं अदर टर्म में सिंपली, इतनी एनर्जी के लिए आपको 1 ग्राम की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, आपका ये लॉस्ट पार्ट हमने डेल्टा एम फाइंड किया। ठीक है, तो 1 मिलीग्राम के टर्म में बात करें तो आपको रिक्वायरमेंट होगी इतने की,
80 के लिए बात करेंगे तो आपको जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी हो जाएगी 1.9, आप इसको ऐसे लिखें 0.9 × 80 की बात हो रही, ये हो जाएगा। मतलब आपका जो ये होगा ये 800, ये पॉइंट हटाएंगे 800 हो जाएगा, 1.9 हो जाएगा। 9 से 800 को मतलब आप कैलकुलेट करेंगे, हाँ शुड नॉट है 72, फिर 8 आ जाएगा, मतलब ये 8.888 ये आएगा कंटिन्यू। ठीक, मतलब ये आपका इतना ग्राम, सॉरी यहाँ पे बात हुआ ये लॉस्ट, मतलब इसके लिए आप ध्यान देना, जो अभी गलती आप कहाँ करोगे एक डाउट आ सकता है, ये लॉस्ट हो रहा है मिलीग्राम में, जो फाउंड हो रहा है, जो इनपुट ले रहे हो आप वो मिलीग्राम, एक्चुअली ये आउटपुट है और ये इनपुट आप दे रहे हो और ये आउटपुट एनर्जी के फॉर्म में निकल रहा है। तो इनपुट आपका 1 ग्राम था तो इतना निकलता है, फिर आपका अगर 1 मिलीग्राम आउटपुट निकल रहा होता हो निकल रहा होता तो उसके लिए आपको इनपुट ये इतना देना होता, फिर आपको अगर 80 मिलीग्राम आउटपुट चाहिए जो कि आपको यहाँ पे डेल्टा एम इतना मिलीग्राम पर आवर फाइंड किया था, वो अगर आपको चाहिए तो आपको इतने ग्राम, यहाँ पे ग्राम में होगा, इतने ग्राम का आपको इनपुट देना होगा। सो द आंसर इज 88.8 ग्राम, ये आपका आंसर होगा। सो अराउंड में आप लिखेंगे 88 ग्राम आपका फर्स्ट विल बी द आंसर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।